मिलाद उन नबी का इंतजार मुस्लिम वर्ग बड़ी ही शिद्दत से करता है, क्योंकि ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन की प्रतीक्षा न केवल भारत में होती है, बल्कि इस दिवस का इंतजार इस्लामिक देशों में भी विशेष तौर पर किया जाता है। दरअसल ईद ए मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस बार ये 27 सितंबर की शाम को शुरू होगा और 28 सितंबर की शाम को खत्म होगा। आपको बता दें कि मिलाद या मौलिद का अर्थ अरबी में जन्म से है। ये दिन शिया और सुन्नी संप्रदाय अलग अलग तरह से मनाते हैं। सुन्नी जहां इसे 12वीं रबी उल अव्वल को मनाते हैं, वहीं शिया लोग 17वें रबी अल अव्वल को सेलिब्रेट करता है। सुन्नी समुदाय इस दिन को शोक के रूप में और शिया समुदाय इस दिन को जश्न के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन मोहम्मद साहब ने दुनिया में जन्म लिया था, तो वहीं इस दिन वो दुनिया से रुखसत भी हुए थे। इसी वजह से ये हंसी और गम दोनों का त्यौहार है। क्यों कहते हैं इसे 12 वफात? ये दिन कुछ जगहों पर 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 वफात से मिलकर बना है, जिसमें 12 का मतलब है 12 और वफात का अर्थ है इंतकाल। इस दिन मुस्लिम लोग अपने घरों को विशेष तौर पर सजाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। लोग पैगंबर मोहम्मद के एक प्रतीक को शीशे के ताबूत में रखकर जुलूस भी निकालते हैं। यही नहीं, इस खास दिन गरीब लोगों को दान करने की भी परंपरा है, तो वहीं कहीं कहीं पर गरीबों को खाना भी लोग खिलाते हैं। इसी क्रम में गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम बंधुओं ने जिले के नगरीय तथा ग्रामीण इलाकों में जुलूस निकाला, साथ ही साथ जलसा सहित धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज ये नवाबगंज में कैसा कार्यक्रम था जिसमें ये आप लोग भव्य तरीके से जुलूस निकाले हुए हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ का धन्यवाद करते हैं नवाबगंज का कि हमारा जुलूस हर साल बड़े धूमधाम के साथ ये 12 रबीउल अव्वल का हुआ है, पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? प्रशासन का सहयोग हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है। प्रशासन के सहयोग से हम लोग अपने टाइम से उन्होंने टाइम दिया था 6 बजे का, उस टाइम हम लोग निकाले हैं, क्योंकि आज दुर्गा विसर्जन का गणेश विसर्जन का आज जुलूस था, इसलिए जब वो पास हो गए हैं उसके बाद हम लोगों का जुलूस 6 बजे से स्टार्ट हुआ है, ये करीब 11:30 तक जाएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक का आज जन्मदिन है, इस जुलूस पर नगर की एकता और शांति व्यवस्था पर क्या कहेंगे आप? प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है, उन्होंने जो समय दिया है उस समय के अनुकूल हमने शाम को 6 बजे निकाला है और शांति व्यवस्था के साथ देते हैं।
समाज भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं जो पूरे भारत पूरे देश में। ये नवाबगंज की जनता का ये एकता हमारे जुलूस निकला हुआ है, ये हमारे नवाबगंज की जनता का बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने एक होकर के और जुलूस को निकाला है और हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैदाइश को इतनी हंसी खुशी से जो है जोर शोर से जो है जुलूस निकाल करके जो है निकाला है और खुशियाँ मना रहे हैं। अयोध्या बगल में पड़ती है और नवाबगंज उससे सटा हुआ है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का ये नवाबगंज प्रतीक माना जाता है, इस बारे में क्या विचार है आपका? ये तो नवाबगंज नगर की जनता की जो है धन्यवाद मैं कहता हूँ, जहाँ की कोई भी त्यौहार हुआ हम लोग एक होकर के एकजुट होकर के हम लोग मनाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ हम लोग नहीं गए हैं और यही हम लोग संदेश देते हैं कि जो है इस मौके पे कभी भी कोई कमियां हो तो मिल करके हंस करके बात करके और एक साथ मिल करके हम लोग मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष को? भारतवर्ष को हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि सब लोग एक होकर के एक दूसरे की मदद करते हुए आप लोग रहिए, वही संदेश हम देना चाहते हैं कि हम लोग एक साथ रहते हुए और एक दूसरे के खुशियों में हम लोग साथ दें और एक साथ हम लोग खुशियाँ मनाएं।